और वहीं मध्य प्रदेश में भी असर डालेगा तूफान मिचौंग। भोपाल इंदौर में बूंदाबांदी के आसार, तो जैन ग्वालियर संभाग में बादल छाए रहेंगे। जबलपुर शहडोल संभाग में आंधी पानी के साथ बारिश के आसार है। दिन और रात के तापमान में फिलहाल लगातार गिरावट मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अगले 5 से 6 दिनों तक दिन में जहां धूप खिली रहेगी तो रातें सर्द होने वाली है। मध्य प्रदेश में मिचौंग का असर दिखेगा। छत्तीसगढ़ के साथ ही यहां पर भी बूंदाबांदी के आसार। ग्वालियर उज्जैन संभाग के साथ ही भोपाल इंदौर संभाग में भी बारिश हो सकती है। मिचौंग के असर से फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना और बूंदाबांदी के साथ ही मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दिन में जहां धूप खिली है तो वहीं रातें फिलहाल मध्य प्रदेश में सर्द है। प्रदेश में हल्की फुल्की ठंड का दौर शुरू हो गया है और कई जगहों पर अभी भी बरसात दर्ज की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए मौसम के हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन मौजूद हैं। सर, मौसम की यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश में, आगामी समय में कैसे मौसम रहने की संभावना है और अभी तक किस तरीके का मौसम दर्ज किया जा रहा है? देखिए, अभी इस बार अभी जो आपको ठंड जो पड़ती है उसका पड़ी नहीं है। उसका वजह यह रही कि जो तापमान जो है, न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से ऊपर ही चल रहा है और दिन के तापमान जो है सामान्य से कम चल रहे हैं। और उसकी वजह यह रही कि पश्चिम विक्षोभ जो आए वो बहुत अधिक इतने अधिक स्ट्रांग नहीं थे। बर्फबारी हिमालय में जरूर हुई मगर उत्तरी हवाएं मध्य प्रदेश तक नहीं आ पाई और उसकी वजह से जो है तापमान गिरे नहीं। और अभी भी जो है नमी होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से तापमान गिर नहीं रहे। रात के तापमान जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और दिन के तापमान, बादल छाने की वजह से दिन के तापमान सामान्य से कम चल रहे हैं। और चलिए आप